अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो और बेल आइकन को भी दबा दे, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर देना। चुप कर बे कुत्ते, ताकि तुम्हें नई नई चीज़ें दिखाता रहूं यार अपने साथ साथ। तुम्हें पता तुम्हारा भाई हैवी किस्म का कुक भी है, कुकर लगा देता हूँ मैं खुद ही कोई। ये देखो मैंने बनाया है नाश्ता अपने लिए, कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है यार, क्या अंडा बनाया मैंने। अच्छा खैर, इसके बाद अभी मैं जाने लगा हूँ आज अपने रैप्टर का रिमोट ढूंढने के लिए मुल्तान। अल्लाह करे मुल्तान से मिल जाए, अगर ना मिला तो फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। इसका बड़ा मैंने कोशिश किया, फिर आखिरी हल यही है कि इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर चेंज कर दिया जाए, फिर ही जाके ही चलेगा, वरना इसके ऊपर और कोई रिमोट तो अटैच हो नहीं रहा। अच्छा तो यार खैर, मैंने जाना था मुल्तान अपना रैप्टर का वो रिमोट लेने के लिए, लेकिन खैर मेरा मुल्तान जाना हो गया कैंसिल। चुप कर बे कुत्ते, आने की इच्छा था बड़ा, मैंने कहा चलो जाऊंगा यार, क्या पता रिमोट मिल ही जाए वहाँ पे लंडे छंडे से, लेकिन खैर अब वहाँ तो हम गए नहीं। अब सोचा फिर मैंने क्यों ना पतंग उड़ा ली जाए आके, वाह सारी डोर थी कल हम खरीद के लेके आए थे। अल्लाह के बंदो डोर ये चेक करो तुम, डोर चेक करो तुम, कल लेके आया तुम्हारा भाई ये पतंगे शतंगे, यू नो फिर समझ रहे हो ना। ये देखो ये हमारा पतंग बाज बंदा, ये उड़ा रहा पतंग, इसको उड़ाने के लिए ये कहीं नजर आ रही है वो रही। हाँ वही काली वाली पतंग ही है हमारी यहाँ तक मेरा ख्याल है, और बाकी वो सफ़ेद सफ़ेद उड़ रही है पतंगे, शतंगे उड़ रही है, लगाते हैं पेचा बीन के साथ, कोई काटते हैं इनकी पतंगे। अच्छा तो यार खैर अब हम उड़ा रहे हैं पतंग VIPC करके, बड़ी हैवी किस्म की हमारी, लेकिन ना इस दफ़ा हमारी किस्मत ख़राब थी, डोर हमें मिली है ख़राब सी, पतंग उड़ती उड़ती हमारी टूटे जा रही है। वो देखो वो पतंग रही हमारी, रही है हमारी पतंग, ये ब्लैक ये जो पर्पल पर्पल सी है ना, ये तीन आँखों वाली है हमारी है, और ये दूसरी वो ऊपर उठती जा रही है जो वो किसी और की है। देखते हैं क्या हिसाब किताब लगता है, दुआ करो। इतना बड़ा सारा पतंगबाज भाई मैंने बुलाया राणा तुलैहा, वो कबूतरों के भी जिनके पास इंटरव्यू लेने के लिए गए थे भाई वही है यार। बस बाकी सारा कुछ छोड़ो, सनसेट चेक करो कितना VIP है जबरदस्त। अच्छा तो यार खैर बड़ा मज़ा आ रहा है हमें पतंग उड़ाने के अंदर। ये देखो तुलैहा भाई हमारे बड़ा मज़े का उड़ा रहे हैं, ये हमारा पेचा फिर दोबारा से लगने लगा, वो देखो वो पेचा हो गया हमारा, यार खैर इससे भी ज्यादा मजे का जो है ना, ये देखो ये सूरज भी साथ है और वो देखो चांद भी साथ है, कितना खूबसूरत नजारा है यार, कितना मजा आ रहा है। लेकिन खैर ये देखते हैं हमारी पतंग कटेगी कटेगी अपनी कटेगी या उनकी अपनी मुंह लानती है भाई, पतंग स्टार्टिंग में नहीं है क्या करें, इसलिए एडवांस बता रहा हूं मर्जी। अच्छा भाई खैर ये देखो भाई कितनी मुश्किलों के साथ, ये देखो कितनी मेहनत के साथ कर रहे हैं, जोर से पता नहीं कहाँ कहाँ का जोर लगा के हाथ घुमा रहा भाई, और ये भाई हम सारे के सारे बेचारे को खड़े हुए देख रहे हैं। कट गया फिर कहाँ गया, ये आ गया सही, आई बो ओए कट गया, ओए हमारी कच्ची डोर से, ओए हमने काट दिया कच्ची डोर से भी उनका पतंग जी, ओ जी वो देखो कितनी दूर उड़ा हुआ है कच्ची डोर से भी, हमारी डोर इतनी खराब है हमने फिर भी उनका पतंग काट दिया। ये होता है जी, डिपेंड करता है ये सारा कुछ पतंगबाज के ऊपर कि कौन पतंग उड़ा रहा, वो रहा हमारा पतंग, ये भाई उड़ा रहा था। अच्छा तो यार खैर हमारा पेचा बड़ा लंबा चला गया, बड़ी दूर का हैवी किस्म का, और इस दफा ना तुलैहा भाई थक गया बेचारा, इतना लंबा सारा पेचा लेके जाके ना बेचारा थक गया, हाथों हाथों में दर्द हो गया, बुढ़ा हो गया। ये देखो वापस आ गया इधर मेरे पास, बड़ी आराम से ना आगे खड़ा हो गया। अच्छा तो खैर यार, लेकिन हमारे यहाँ पे ना बंदे बड़े वगैरह एक नंबर के, क्योंकि ना ये सारे के सारे ना दो गठी डाल देते दरमियान में। अच्छा यार खैर बड़ा मजे का पेचा हुआ, वो देखो कितनी दूर का पतंग, ए वो देखो नजर ये देखो मैं कहाँ गई, बोरी भैया सही है। अच्छा तो यार खैर बड़ी पतंग शतंग उड़ाई हमने आज, मतलब के उसके बाद फिर मैं चला गया था बाजार, मामू गए हुए थे मुल्तान उनके साथ जाना था, लेकिन वो पहले मेरे जाने से पहले चले गए थे,
उसके बाद फिर मैं अभी उनको लेके आया था घर, दोस्तों वगैरह के साथ चला गया था। फिर अभी अभी घर आया था, अब सुकून से मैं लगा हूँ सोने। इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, बड़ी मुश्किलों से बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ब्लॉग तो बनाना होता है ना फिर तुम्हारे भाई ने। बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सब अपना रखो ख्याल, ज़रा हैवी किस्म का, बाकी लव यू हो गया सारों को। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, और कमेंट और शेयर लाजमी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तुम्हें ऐसे ही दिखाता रहूँ मैं अपने साथ साथ सब कुछ जो जमा करता हूँ। टाटा, अल्लाह हाफिज़।